नमस्कार दोस्तों, देव क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। देव क्लासेस स्पेशल टेट और सी टेट के लिए बनाया गया है, जिसके अंतर्गत आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं अध्यापक भर्ती को लेकर। देव क्लासेस के माध्यम से हम वो सारे टॉपिक आपको उपलब्ध कराते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। सभी पेपर सेट करवाते हैं जो विगत वर्षों में आए हुए हैं, और कुछ मॉडल पेपर करवाते हैं जो आने वाले समय पर संभावना व्यक्त करते हैं। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारे किसी भी वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए, तभी आपको इस चैनल का लाभ मिलेगा। और आपसे एक विशेष आग्रह ये भी है कि आप हमारे प्रत्येक वीडियो को उन सभी दोस्तों तक पहुंचाने का कष्ट करें जो आपसे दूर गांव-गांव में रहकर पढ़ाई करते हैं। आपको ऑनलाइन कोचिंग भी मिल रही है और हो सकता है आप ऑफलाइन भी कर रहे हों किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके, लेकिन हमारे कई साथी ऐसे हैं जो आर्थिक समस्याओं में रहकर या घरेलू समस्याओं में रहकर कोचिंग को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो आप सबकी जवाबदारी है कि आप इन सारे वीडियो को उन तक पहुंचाएं, ताकि आपके साथ साथ उन लोगों की भी तैयारी हो सके और आने वाले परीक्षा में आप सभी लोग एक अध्यापक पद पे सुशोभित हों। हो सकता है आपके हाथों से किसका भला हो जाए, तो आपसे गुजारिश है कि आप अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नया चैप्टर तैयार होते ही उस टॉपिक का वीडियो आप तक पहुंच सके, और उन सभी लोगों से भी सब्सक्राइब करवा दें जो आपके जान पहचान के हैं, ताकि चैनल जितना ज़्यादा ग्रो करेगा आपको उतनी अधिक चीज़ें मिल सकती हैं और हमें भी उतनी अधिक खुशी होगी। चलते हैं आज का टॉपिक हमारा EBS, NCERT बेस्ड और SCERT बेस्ड जो भी कलेक्शन है वो हमने इसमें किया है। 1 से 10वीं तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन को हमने इसमें कवर किया है। तो आपको ये पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना है। पिछली क्लास में हम 5वें चैप्टर तक आपको करवा चुके थे, तो हम उसको आगे कर देते हैं। तीसरा, चौथा और ये पांचवा, 6ठे चैप्टर से हमारा चलना है, तो दिखते जाइएगा। शुरू करते हैं। पहला नंबर है, किन उद्योगों से हमारा वातावरण दूषित नहीं होना चाहिए या दूषित नहीं होता है। कुटीर उद्योग ही ऐसा उद्योग है जिससे हमारे वातावरण में कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे इम्पोर्टेंट अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी कांड किस गैस के रिसाव से हुआ था। ये गैस थी आपकी मिग गैस, याद करना चाहिए आपको, क्योंकि ये आ भी सकता है। बहुत बड़ी दुर्घटना थी भोपाल के लिए। इस कांड में लगभग कितने लोग मारे गए? लगभग 2500 प्लस लोग मारे गए थे। ये घटना कब हुई थी? ये 2-3 दिसंबर 1984 को हुई थी, शीतकालीन रात्रि में। मिग गैस का पूरा नाम क्या है? अगर ये आ जाता है, मिग गैस का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला है, भारत से 10 करोड़ मेढक पश्चिमी औद्योगिक देशों को निर्यात किए जाते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। अपने इंडिया से 10 करोड़ मेंढक पैक कर दूसरे देशों को भेजे जाते हैं। अगला है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका विश्व के कार्बन डाइऑक्साइड का 33% भाग अकेले उत्सर्जित करता है। ये बहुत बड़ा परसेंटेज है। अगला चैप्टर हमारा प्रदूषण और हमारा स्वास्थ्य। इस पे पहला है, हवा का 1/5 भाग ऑक्सीजन है। जो भी हम हवा देखते हैं
उसका पांचवा पार्ट जो है वो ऑक्सीजन है। एक सामान्य मनुष्य प्रतिदिन 22,000 बार सांस लेता है। जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियां हैं आपकी डायरिया, टाइफाइड, पीलिया, हैजा इत्यादि। ये सारी बीमारी जल प्रदूषण से होती हैं। ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं? अगला नंबर है, ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं? CO2, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपके ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला है, वायु प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं? वायु प्रदूषण से दमा, खसरा, TB, एलर्जी, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा इत्यादि, ये सारी बीमारियाँ वायु प्रदूषण से होती हैं। और ध्वनि प्रदूषण से होने वाली बीमारी देख लीजिए, पागलपन, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, बहरापन इत्यादि। कभी आप व्यक्ति को चिड़चिड़ाते हुए देखें तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं ध्वनि प्रदूषण मतलब हो सकता है कहीं पे आग बहस हुई हो या कुछ भी ऐसा होगा तो वो चिड़चिड़ा स्वभाव उसका हो जाएगा। और बेचैनी महसूस करने वाले व्यक्ति भी ध्वनि प्रदूषण का ही शिकार होता है। भारत में 80% बीमारियाँ जल प्रदूषण से होती हैं। अगला है, भारत में 1,00,000 व्यक्तियों में से 360 व्यक्तियों की मृत्यु आंत रोग, टाइफाइड एवं जल जनित रोगों से होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि भारत में मृत्यु का जो परसेंटेज है अधिकतर आंत रोग, टाइफाइड एवं जल जनित रोगों से है। अगला चैप्टर है हमारा पर्यावरण असंतुलन। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य क्या है? अपना उत्तर प्रदेश है। हम सभी लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और हमें गर्व होना चाहिए इस बात पे कि हमें सबसे बड़े का दर्जा मिला है। अगला है हमारा, फ्लोराइड और आर्सेनिक एक जानलेवा रसायन है। अगला है, लगभग सभी टूथपेस्टों में फ्लोराइड की कुछ मात्रा मिलाई जाती है जिससे मुँह का कैंसर का खतरा होता है। जो झाग तैयार होता है वो फ्लोराइड और केमिकल्स के कारण ही होता है। अगर आप पेस्ट की जगह दातुनों को यूज करते हैं या स्वयं निर्मित टूथपेस्ट पाउडर को यूज करते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि फ्लोराइड बहुत ही घातक रसायन है। इनको लाई एक अत्यंत सूक्ष्म जीवाणु है जिससे आंत्र स्रोत या पेचिस होती है। पेचिस का जीवाणु कौन सा है? ई कोलाई है। अगला है, मानव हस्तक्षेप के कारण हिमखंड प्रतिवर्ष 25-30% की गति से सिकुड़ रहे हैं। हिमखंड का मतलब हमारे बर्फ के पहाड़ हैं जो 25-30 मीटर की गति से सिकुड़ रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो हिम ग्लेशियर पूर्णतः सूख जाएगा कुछ समय बाद। शोर का अवशोषण वृक्ष करते हैं, वृक्ष शोर का अवशोषण करते हैं। ये शोर के स्तर को 6-8 डेसिबल तक ला सकते हैं। और हम लोग जब वृक्षों को ही काट देंगे तो कौन हमारी रक्षा करेगा? अगला है, धूल व आंधी के मार्ग में बाधा बनकर वृक्ष इसके दुष्प्रभाव को रोकते हैं। आने वाली आंधी को भी हमारे वृक्ष रोकते हैं। अपने तापमान को कम करने के लिए वृक्ष अपनी पत्तियों से जल वाष्पन करते हैं, इसी से वायु में नमी बनी रहती है। समुद्र से प्राप्त पदार्थ क्या है? आयोडीन है। अगला है हमारा चैप्टर पर्यावरणीय आपदाएं और हमारा जीवन। इसमें समुद्री भूकंप से उठने वाली लहर सुनामी कहलाती है। 26 दिसंबर 2004 की सुनामी में 2,00,000 से अधिक लोग मारे गए थे। यह हिंद महासागर में उठी थी। अगला नंबर है, भूकंप की तीव्रता किस पैमाने द्वारा मापते हैं? ये आपका रिएक्टर पैमाना है। रिएक्टर में 0 से 9 तक के अंक होते हैं। यदि भूकंप की तीव्रता 5 या उससे अधिक है तो खतरा बढ़ जाता है। अगला है, आल्पस तथा हिमालय पर्वत पर कोई ज्वालामुखी नहीं है। ये प्रश्न आ सकता है कि किस पर्वत पर कोई ज्वालामुखी नहीं है? तो ये आपका आल्पस और हिमालय पर्वत है जिस पर कोई ज्वालामुखी नहीं है। ज्वालामुखी से कौन कौन से खतरे हो सकते हैं?
ज्वालामुखी से सुनामी, मौसम तथा जलवायु परिवर्तन, ये सारे ज्वालामुखी के खतरे हैं। सुनामी कैसी भाषा है? सुनामी एक जापानी भाषा है। सुनामी की गति कितनी होती है? सुनामी लहरों की गति होती है 700 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी ऊंचाई भी बहुत अधिक होती है। अगला है, 16 जून 1819 में एक भयंकर तूफान आया था, भूकंप जिसे बोले। इस भूकंप के कारण 24 किलोमीटर की लंबाई में स्थली भाग के ऊपर उठ गया था जल का स्तर। जल से घिरे लोगों ने इस स्थान पर जाकर अपने प्राण बचाए थे, मतलब जो डूबने के बाद में जो लोग गए थे, जल से घिरे लोगों ने इस स्थान पर जाकर अपने प्राण बचाए थे। इस स्थान को क्या कहते हैं? या फिर ये कह सकते हो जो बाढ़ के दौरान पर लोगों ने जिस स्थान पर अपनी जान बचाई थी उस स्थान को क्या कहते हैं? उस स्थान को कहते हैं अल्लाह का बांध। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी प्रश्न। अगला है, क्रोकाटोआ ज्वालामुखी का उद्भेदन के कारण उत्पन्न भूकंप के द्वारा 120 फुट ऊंची सागरी लहरें उत्पन्न हुई थी। आप सोचिए 120 फुट ऊंची, हमारी अपनी लंबाई कितनी होगी? 5 से 6 फीट, 7 फीट बस। लेकिन जब क्रोकाटोआ ज्वालामुखी के उद्भेदन के कारण 120 फीट ऊंची सागरी लहरें उत्पन्न होगी तो सोचिए कितना अधिक खतरा हो सकता है। अगला है, समुद्री चक्रवातों के नाम। संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन के नाम से बोला जाता है। चीन सागर, जापान, फिलीपींस में इसे टाइफून बोलते हैं। बांग्लादेश तथा भारत में इसे चक्रवात बोलते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विली बोलते हैं। ये समुद्री चक्रवात ही हैं लेकिन नाम अलग हैं देशों के हिसाब से। अमेरिका हरिकेन, चीन, जापान, फिलीपींस टाइफून, बांग्लादेश भारत चक्रवात, और ऑस्ट्रेलिया विली विली। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एड्स, एड्स एक जनजनित बीमारी है। इसको ए का एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका मतलब है अर्जित किए हुए रोगों से लड़ने की क्षमता कमी, लक्षणों का समूह। इसके कई कारण है, आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो आप एक बार कमेंट करिए, हम उसका भी जवाब देंगे आपको। अगला चैप्टर है हमारा चिपको आंदोलन। ये हमारा अगला चैप्टर नाम है, हमारे जीवन शैली एवं पर्यावरण। इसके अंतर्गत है चिपको आंदोलन किसे कहते हैं? वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए श्री सुंदरलाल बहुगुड़ा जी ने यह आंदोलन चलाया था, इसे चिपको आंदोलन कहते हैं। ई गार्बेज, ई गार्बेज या ई कचरा किसे कहते हैं? ई गार्बेज या ई कचरा किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक कचरा को ई गार्बेज या ई कचरा कहते हैं। परावैगनी किरणों से फैलने वाला रोग कैसा होता है? किसे बोलते हैं? कैंसर का खतरा होता है परावैगनी किरणों से। चमड़ा बनाने में प्रयुक्त रसायन कौन सा है? क्रोमियम। अगला चैप्टर हमारा पर्यावरण संतुलन। इसके अंतर्गत है भूमि की उर्वरा क्षमता के लिए फसल चक्र को अपनाना चाहिए। अगला है कृषि क्षेत्र में रसायन का प्रयोग कम करना चाहिए। एक हेक्टेयर जंगल प्रतिवर्ष 14 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। एक हेक्टेयर जंगल प्रतिवर्ष 14 लाख कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, अतः हमें जंगलों को काटने में कमी करनी चाहिए। जबकि हमारे देश में प्रतिवर्ष 1 लाख हेक्टेयर जंगल काटे जा रहे हैं। अगला हमारा वर्षा जल संचयन एवं पुनर्भरण। जल संचयन को क्या कहते हैं? रेन हार्वेस्टिंग वाटर बोलते हैं। गली प्लग को क्या बोलते हैं? पहाड़ी जगहों पर छोटे छोटे नालों को गली प्लग बोलते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अगला है राज्य जल नीति 1987 में बनाई गई और 2002 में राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की गई थी। ये थे दोस्तों हमारे सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो EBS के अंतर्गत थे। इसका दूसरा पार्ट आपको मिलेगा अभी। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हमने कवर किया लेकिन कुछ चीज़ें और भी शेष हैं जिसे हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।